भी पढ़ा जाता है, जिनके घर में रिस्क की तंदरुस्ती हो तो वो भी पढ़ सकते हैं ये। जो इस इसम को रोटी पर दम करके खाए अल्लाह ताला तंगदस्ती दूर करेगा। और अगर कोई आदमी किसी मुकदमे में गिरफ्तार हो और बेकसूर या कैद में हो तब भी इस इसम की मद्दोमत करे, अल्लाह ताला उसकी मदद करेगा। बशर्तिया पढ़ने वाला अजीज व अकरब हो, पैसा दे कर इसम नहीं पढ़वाया जा सकता। ये पैसा, ये दूसरी चीज़ मैं ये भी बता दूं आपको कि बहुत सारे लोग जो हैं सिर्फ वज़ायफ़ पढ़वाने के जो हैं कहते हैं कि इसकी ज़कात होती है। तो ये ज़कात जो है, हम दोबारा ये कहते हैं हमारे सिलसिले में और बाकी सारे सिलसिलों में। शाह साहब कॉलर जी, कॉलर शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं मरियम बोल रही हूँ। मरियम बोल रही हैं। अच्छा जी मरियम, आप किसके बारे में पूछना चाह रही हैं? जी मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना है, कर्ज का लड़का है। बेटी के बारे में जी। अच्छा ठीक है, क्या नाम है आपकी बेटी का? सुमैरा। सुमैरा जी। अच्छा सुमैरा के बारे में क्या पूछना चाह रहे हैं? सॉरी क्या पूछना चाह रही हैं? आपकी आवाज जो है ना वो क्लियर नहीं आ रही। जॉब का मसला है, इसको जॉब नहीं इसको क्लियर है। जॉब का मसला है, जॉब का मसला है ना कह रही हैं आप? जॉब मिल नहीं रही। अच्छा सब, सुमैरा को जॉब नहीं मिल रही। जी सुमैरा की आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। मैं बोलती हूँ आप। हाँ वो समझ में नहीं आएगा इस तरह। हमारे प्रोड्यूसर साहब आवाज नहीं आ रही। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, सुमैरा इनकी बेटी का नाम है। देखिए आप वसीम साहब, अगर आप सुन रहे हैं तो पीछे से प्लीज जरा आवाज स्टूडियो में खोल दीजिएगा। कॉल मेरे ख्याल में ड्रॉप हो गया। जी शुक्रिया, आप फिर से ट्राई कर सकती हैं अगर आप बात करना चाहें तो। वैसे उनकी बेटी सुमैरा कह रही थी कि सुमैरा के जॉब का मसला है, उसको जॉब नहीं मिल रही। सुमैरा उसकी वालदा का नाम भी चाहिए थोड़ा सा ना, कि या तो आवाज। मरियम उनकी वालदा का नाम। मरियम नाम। उम्र कितनी बताई थी? उम्र कितनी थी, 22 या 24? शायद इतनी उम्र मैंने तो नहीं पूछी, उनके आवाज में भी इतना होती तो फिर वो कंफर्म करते। समझ नहीं आ रही। मैं पढ़ने को बता देता हूँ क्योंकि इस तरह मेरे को समझ में नहीं आएगा कि क्या है क्या नहीं है। जी अच्छा, वजीफा पढ़ने को बता देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 दफा। अच्छा शाह साहब अभी ब्रेक पे जाना है तो ब्रेक पे वापस आके बताएंगे। जी नाज़रीन अभी हमें छोटी सी कमर्शियल ब्रेक पे जाना है तो चलते हैं ब्रेक की तरफ और मिलेंगे आपसे वापस आके ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हम दोबारा से आपको खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम है जी सूफी गाइडेंस और गेस्ट हमारे शाह साहब, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। एक बार फिर से सब देखने वाले सुनने वाले जहाँ जहाँ देख रहे हैं सबको रमज़ान मुसलमान जो मेरे बहन बहन को रमज़ान की मुबारकबाद दूंगी। बाकी जी कॉल करके आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, शाह साहब से कुछ भी पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। नंबर हमारे जो है वो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आप लाइव शामिल होना चाहें तो उसके लिए एंटरटेनमेंट का नंबर आप उस पर कॉल करके शामिल हो सकते हैं। उसके अलावा अगर आप प्राइवेटली बात करना चाहें तो प्री बुकिंग की सहूलत भी मौजूद है, आप चाहें तो आप उस पर भी रब्ता कर सकते हैं। बाकी अपने मेडिकल इश्यूज़ के लिए आप अपने डॉक्टर जीपी से ज़रूर रब्ता रखिएगा, और अगर कोई लीगल इश्यूज़ हैं तो उसके लिए आप अपने सोलिसिटर से भी ज़रूर रब्ता रखिएगा। प्रोग्राम में जो बात होगी, आपको जो कुछ बताया जाएगा वो कुरान और हदीस की रोशनी में, रूहानियत की रोशनी में और इल्म अलाद की रोशनी में बताया जाएगा। जी शाह साहब आप वजीफा बता रहे हैं। मैं वजीफा बता रहा था सुमैरा जी के लिए, उनकी वालदा का नाम था मरियम। लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने बाजी पढ़नी है 786 दफ़ा, या लतीफ़ो जो है 2500 दफ़ा पढ़नी है 50 दिन तक, तो वो 1,25,000 हो जाएगा। क्योंकि इनका जो नौकरी का मसला है ना, ये काफ़ी सीरियस है। सीरियस से मतलब जब भी मैं, वरना अमूमन मैं 1029 या कम बताता हूँ, लेकिन कह रहा हूँ कि 1,25,000 कर लेंगी तो थोड़ा सा चीज़ें खुल जाएंगी, ठीक है ना। ये हो गया। बाकी ये कि एक वजीफ़ा बता रहा हूँ, ये रमज़ानों में जो है पढ़ने के लिए है, पुरानी दुआ है, लेकिन लोग वो पुरानी चीज़ें भूल के और कॉम्प्लेक्स चीज़ों में चले गए। एक्सक्यूज़ मी,
सुभान अल्लाह व बेहमदही, सुभान अल्लाह अज़ीम व बेहमदही, अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये एक तस्बीह करनी है फजर के टाइम, यानी कि फजर के बाद करनी है, जब सूरज निकल रहा हो, सूरज निकलने से पहले नहीं, सूरज निकलने के बाद नहीं, यानी कि जब निकलने वाला हो, यानी कि आदमी को पता चल जाए जब लाल रोशनी नहीं नज़र आती कि सूरज होराइजन पे टच हो गया है, उस वक्त पढ़ना शुरू करें कि एक तस्बीह करनी है। उसके बाद कितनी भी देर लग जाए डजंट मैटर, लेकिन एज लॉन्ग के सूरज जो है होराइजन से ऊपर निकल रहा हो, हमारी आँख से विजिबल हो गया हो। अच्छा, ये वजीफ़ा बहुत पुराना वजीफ़ा है, बहुत पुरानी, यानी कि ये समझ लें कि हमारी नानी पर नानी के ज़माने का वजीफ़ा होगा इतना, यानी कि 100-200 साल से पढ़ा जा रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मैं बात बार बार करता हूँ, लोग पुरानी चीज़ों को छोड़ के नए नए कॉम्प्लेक्स चीज़ों में चले गए हैं, और वो कॉम्प्लेक्स चीज़ों की वजह से लोगों में जो है इतना ज़्यादा अप्रिहेंशन हो गई है कि वो उनको समझ में नहीं आता क्या करें। तो जब आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप क्या करते हैं, यू स्टिक टू व्हाट यू नो। जब आपको समझ में नहीं आ रहा ना कि कौन सा कपड़ा पहनूं, तो आप क्या करते हैं, जो आपका सबसे पसंदीदा होता है वही पहन लेते हैं, कि वो उसको आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये ठीक है मेरे लिए। तो पुरानी चीज़ों की तरफ वापस चले जाएं। अगर कोई ये वैसे भी रूहानियत में कहते हैं कि पुरानी चीज़ें ही आपको तैराती हैं, नई चीज़ जो है वो आपको डुबाती है, ये हमारे रूहानियत में, हमारे तसव्वुफ़ के रास्ते में ख़ास तौर पे हमें ये बताया जाता है। और हम भी जो हैं, जो हमारे मुरीद ख़ास हैं जिनको हम सिखाते हैं, वो ये कहते हैं नई चीज़ आपको डुबो देती है, पुरानी चीज़ तैरा देती है। इसी वजह से जो है पुरानी चीज़ों के पीछे भागें, यानी कि ये दुआ पढ़ें, सुभान अल्लाह व बेहमदही, सुभान अल्लाह अज़ीम व बेहमदही, अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये जो है 100 दफ़ा पढ़नी है, यानी कि एक तस्बीह 100, 99 या 100, एक तस्बीह पढ़नी है फजर सूर होराइजन के बाद। ये रमज़ान के महीने में ख़ास तौर पे, क्योंकि फजर पढ़ते हैं जी, उसके बाद पढ़ लें तो अल्लाह ताला रिस्क में वसत पैदा करेगा। और ये सिस्टर सुमैरा ने पढ़नी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 दफ़ा, और या लतीफ़ो 2500 दफ़ा 50 दिन तक। और अभी मैं दोबारा वापस चला जाऊँ याद लो की तरफ, ठीक है ना। ये देखें इसका तरीका जो है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल है। अब मुश्किल से मतलब, देखें अभी तो मौसम अच्छा है तो पढ़ा जा सकता है जी जी, लेकिन अगर ये सर्दियों में करना पड़े तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वो भी मैं आगे चल के प्रोग्रामों में समझा दूंगा कि सर्दियों में कैसे किया जाएगा, अच्छा, या वेदर अच्छा ना हो जब कैसे किया जाएगा। मगर इस वक्त ये बता देता हूँ, 104 दफ़ा पढ़ना है, घर के अंदर नमाज पढ़े, कोई भी नमाज पढ़ लें, और बाहर निकल के हाथ उठा के आसमान की तरफ तस्बीह हाथ में हो, क्योंकि 104 दफ़ा पढ़ना है, आसमान की तरफ हाथ उठा के याद लो याद लो याद लो याद लो याद लो याद लो, इस तरह जो है पुकारना है कि अल्लाह ताला का अदल आए। देखें जब आपने गलत नहीं किया तो आप डरें क्यों, जब अगर मैंने गलत ना किया हो, मुझे ले जाओ आप जज के सामने, मैंने तो गलत नहीं किया। तो जब मैंने गलत नहीं किया और मैं पुकार रहा हूँ उसको, उस मालिक के कायनात को जो पूरे जहाँ का रब है, ठीक है ना, मैंने तो गलत नहीं किया। शाह साहब कॉल में कॉल शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मेरा नाम तायरा है और मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। जी तायरा। और उसका नाम असद अली गिलानी है। असद अली गिलानी? हाँ जी। अच्छा, उनका पूरा नाम ये है। और वो एक लड़की नाजिया नाम की लड़की है और उसकी वालदा का नाम परवीन है। उसके चक्कर में फंसे हुए हैं और वो घर में रहता भी नहीं है और जो कमाई करता है उधर ही जाती है। तो मेरे चार बच्चे हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये बंदा उधर ही रहेगा या कभी लौट के वापस घर की तरफ भी आएगा। सही, आप शाह साहब से बात कर लीजिए। जी सलामकुम बाजी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं बाजी? आपका नाम सायरा है या तायरा है? मेरा नाम तायरा है और मेरी अम्मी का नाम नरजेस है। और दूसरी चीज ये मुझे बताएं, आपके शौहर का नाम असद अली? उनका नाम असद है। और जो दूसरी है नाजिया? हाँ जी। अच्छा ये बताएं, ये नाजिया जो है आपने देखा है इनको? मैंने इसकी तस्वीर देखी है मेरे हावन के वॉलेट में। जी जी जी। ये मुझे एक एक बात बताएं कि ये आपके हस्बैंड की लाइफ में शादी से पहले भी थी या बाद में वापस पलट के आई हैं या पहले रिश्तेदारी थी? ये
शादी के बाद काफी